उड़ने वाली कारों का होगा दौर। इस नए दौर में उड़ने वाले कारों का प्रचलन खूब बढ़ेगा और इन नई कारों को उतारने के लिए किसी हवाई पट्टी की जरूरत भी नहीं। मोबाइल रखेगा मेडिकल डेटा। चिकित्सा के लगातार विकास से मृत्यु दर 65 से 80 वर्ष तक हो जाएगा। तकनीकी विकास के चलते आज कई 3D प्रिंटिंग से उन चीजों को बनाना भी मुमकिन होगा जो दिमाग के ऊपर आती हैं। किसी भी मशीन के पार्ट को 3D प्रिंटिंग से बताया जा सकता है। इसके लिए किसी भी कारखानाओं में जाने की जरूरत नहीं होगी। इससे हथियारों का निर्माण। वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड 00। आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे भविष्य के बारे में, वो भी 2050 तक। आखिर तक बने रहिए इस वीडियो में। बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। 2050 में बदल जाएगी हमारी दुनिया। मंगल ग्रह में होंगे हॉलीडे डेस्टिनेशन और दिमाग होगा डाउनलोड। मैं आपको बताऊंगा 2050 के ये 11 पॉइंट के बारे में जो होंगे सबसे ज्यादा विकसित। पहला पॉइंट है हमारा, 100 मीटर ऊपर तक होंगी शहरें। 2050 तक हमारी दुनिया की जनसंख्या 9.5 अरब तक हो जाएगी। तब आसमान को छूती हाईटेक इमारतें बन जाएंगी और लगभग जमीन से 100 मीटर ऊपर तक शहरें बनेंगे। कई मंजिल ऊपर तक सड़कें बनेंगी। इमारतों को साइबॉक्स से जोड़ा जाएगा। ये सब जो इमारतें हैं वो कंप्यूटर द्वारा चलाया जाएगा। हरियाली कम से कम होगा और कंक्रीट के जंगल होंगे ज्यादा। पॉइंट टू, दिमाग होंगे डाउनलोड। वैज्ञानिकों की माने तो 2050 मौत को चुनौती देने वाला होगा। मनुष्य का शरीर सुरक्षित रहे या ना रहे, पर दिमाग जरूर सुरक्षित रह सकेगा। भविष्य में इंसान का दिमाग कंप्यूटर से जोड़कर हार्ड डिस्क में सेव किया जा सकेगा और इसका जो डाटा है वो फाइल के रूप में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। पॉइंट थ्री, बहुमंजिली इमारत पर होंगी खेती। इस दौरान जमीन की कमी इतनी हो जाएगी कि खाने पीने की जरूरत की पूरी करने के लिए मंजिल इमारत बनाकर उन पर खेती की जाएगी। नदी और सागर के बीच भी तैरते हुए खेत खलियान दिखाई देंगे। पॉइंट फोर, उड़ने वाली कारों का होगा दौर। इस नए दौर में उड़ने वाले कारों का प्रचलन खूब बढ़ेगा और इन नई कारों को उतारने के लिए किसी हवाई पट्टी की जरूरत भी नहीं है। उड़ने वाली सभी कार कंप्यूटर द्वारा चलाए जाएंगे। फिलहाल दुबई में ऐसे कार लॉन्च किया जा चुका है। पॉइंट फाइव, हॉलीडे डेस्टिनेशन होगा मंगल। इन दौरान हॉलीडे मनाने के लिए लोग इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस नहीं जाएंगे, मंगल और चांद जैसे ग्रह उपग्रहों में जाएंगे हॉलीडे मनाने। ऐसे ईंधन बन चुके होंगे जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह कम समय पहुंच जा सके। पॉइंट नंबर सिक्स, मोबाइल रखेगा मेडिकल डेटा। चिकित्सा के लगातार विकास से मृत्यु दर 65 से 80 वर्ष तक हो जाएगा। तकनीकी विकास के चलते आज कई गंभीर बीमारियां जैसे कोरोना नामोनिशान मिट जाएगा। सभी बीमारियों के रोकथाम के लिए एक ही टीका काफी होगा। मोबाइल पर सारा मेडिकल रिपोर्ट दर्ज होता रहेगा और उसी पर सारी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएंगे। इसे डॉक्टर के पास भेजकर घर बैठे ही बीमारी का इलाज करना संभव हो पाएगा। पॉइंट नंबर सेवन, 3D प्रिंटर का होगा बोलबाला। 3D प्रिंटिंग से उन चीजों को बनाना भी मुमकिन होगा जो दिमाग के ऊपर आती हैं। किसी भी मशीन के पार्ट को 3D प्रिंटिंग से बताया जा सकता है। इसके लिए किसी भी कारखानाओं में जाने की जरूरत नहीं होगी। इससे हथियारों का निर्माण और भी बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसे ईंधन बन चुके होंगे जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह कम समय में ले जा सके। पॉइंट नंबर एट, दिमाग से जुड़ेगा कंप्यूटर। 2050 में सुपर कंप्यूटर आज के मुकाबले 1000 गुना तेज होगा। नैनो तकनीक से आर्टिफिशियल ब्रेन बनाया जाएगा जो काफी विकसित होगा। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए कंप्यूटर को दिमाग से जोड़ा जाएगा जिससे हम उन समस्याओं को चुटकियों में हल कर पाएंगे जिन्हें दिमाग से हल करना मुश्किल था। पॉइंट नाइन, नई ईंधन का होगा प्रयोग 2050 तक। पेट्रोलियम खत्म हो चुका होगा और पेट्रोलियम की जगह हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा और कई अन्य रासायनिक तत्वों को भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, कभी खत्म ना होने वाला ईंधन के रूप में। वायु और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर भी रिसर्च की जा रही है। पॉइंट 10, टीवी होगा होलोग्राफिक। 2050 में टीवी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इनकी जगह होलोग्राम टीवी होंगे। मोबाइल का बटन दबाते ही होलोग्राफिक टीवी प्रकट हो जाएगा। इन पर मन चाहे कार्यक्रम और फोटो देख सकते हैं जो लोगों के आंखों के सामने ही सब कुछ होगा। कई देशों ने होलोग्राम टीवी इन्वेंट भी कर लिए हैं जैसे अमेरिका, रूस, जापान इत्यादि। पॉइंट नंबर 11, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, डिजिटल होगा स्कूल। 2050 तक सारे स्कूल हो जाएंगे डिजिटल। बच्चों की पीठ पर भारी भारी बैग अब नहीं होंगे, उनके हाथों में टैबलेट और लैपटॉप होंगे जिनमें उनकी सारी किताबें स्टोर होंगी। बोर्ड भी डिजिटली होंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में एक बड़ा सा लाइक ज़रूर देना, क्योंकि ऐसा वीडियो हर हफ्ते में लाते रहता हूँ आप लोगों के लिए। गुड बाय।